कि जब आप पैसे नहीं कमा रहे होते तो आप पैसे बचा बचा के किसी को तोहफे देते हो। पापा की चप्पल होती है, मम्मी का बेलन ही होता है हमेशा। फ्रेंडली डेट ऑल्सो ना, इवन दो शी इज मैरिड। हाय, मेरा नाम है कंवर ढिलन और आज मैं कर रहा हूँ इश्क विश्क रैपिड फायर विद टेली मसाला। 18 साल में कुछ भी नहीं। आई थिंक ह्यूमन लेवल पे जो आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों के लिए करते हो, उतना पागलपन वाला कुछ मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ। आई थिंक पागलपन मतलब क्या ही करते हो कि जब आप पैसे नहीं कमा रहे होते तो आप पैसे बचा बचा के किसी को तोहफे देते हो, किसी के लिए कुछ स्पेशल करते हो। जब आपके पास पैसे हैं भी तो भी आप छोटी छोटी चीज़ों में किस तरह खुशियाँ ढूंढते हो। प्यार तो वो होता है ना, तो आई थिंक मेरा तरीका थोड़ा अलग है। नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब तक पैसे नहीं कमाए ना गिफ्ट लिए ना दिए। गिफ्ट का सिलसिला तब शुरू हुआ जब पैसे कमाने शुरू किए। ये सिंपल फंडा रहा है लाइफ में, दो जब औकात हो, लो जब औकात हो, सिंपल। हाँ नहीं, मम्मी की बेलन होती है मम्मी की चप्पल नहीं होती। पापा की चप्पल होती है, मम्मी का बेलन ही होता है हमेशा। तो मम्मी की बेलन और पापा की डांट दोनों ही बहुत अहम हिस्सा रहे हैं मेरी ज़िंदगी का। नहीं, मैंने कभी बंक नहीं किया कभी। इनफैक्ट जूनियर कॉलेज में भी जब मैं ना बोले तुम कर रहा था और जब मैं बड़ी प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं लेक्चर्स मैनेज करता था शूट के साथ साथ, तो तभी भी मैंने कभी बंक नहीं किया। आलिया भट्ट, आई रियली लव हर एज एन एक्टर। या आलिया भट्ट, क्योंकि 15th मार्च है वो भी और सेम एज है। सो या, बट इट कैन बी अ फ्रेंडली डेट ऑल्सो ना, इवन दो शी इज मैरिड। इट कैन, आई वुड वॉन्ट टू हैव एन इवनिंग विथ हर, टॉक टू हर, नो फ्रॉम हर अबाउट हर क्राफ्ट, टेल हर वॉट आई एडमायर अबाउट हर। आई रियली एडमायर हर एज एन एक्टर। आई थिंक शुड बी एन एनिमल लवर, caring and sensitive. Gussa, cigarette or disrespectful. नहीं जमेगा। मैं मेरे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया, देते आ रहे हैं और उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। आई होप आई एम मेकिंग यू प्राउड एंड आई होप आई कंटिन्यू टू मेक यू प्राउड। थैंक यू फॉर ऑल द लव, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल। ये सेगमेंट करके मुझे टेली मसाला के साथ बहुत मजा आया एंड उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे सेगमेंट्स करते रहें। थैंक यू।